शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज महल की याद में ताजमहल बनवाया था, जो 1631 में अपने 14वें बच्चे को जन्म देते समय चल बसी थी। मुमताज महल शाहजहां की तीसरी और पसंदीदा पत्नी थी और उनकी अचानक मृत्यु शाहजहां के लिए एक विनाशकारी आघात थी। उन्होंने 1632 में ताजमहल का निर्माण का काम शुरू किया और इसके तुरंत बाद स्मारक का काम शुरू हुआ। ताजमहल को उस्ताद अहमद लाहौरी नामक एक फारसी वास्तुकार द्वारा डिजाइन किया गया था। मॉडल और आर्किटेक्ट को अंतिम रूप देने में उन्हें लगभग 2 साल लग गए। ताजमहल को मुगल वास्तुकला के सबसे अनोखे और उत्कृष्ट उदाहरणों में से एक माना जाता है और यह अपनी सुंदरता और समरूपता के लिए प्रसिद्ध है। ताजमहल के 4 स्तंभ पूरी तरह से सीधे नहीं हैं, बल्कि थोड़ा बाहर की ओर झुके हुए हैं। यह जानबूझकर डिजाइन किया गया था जिसे भूकंप की स्थिति में खंभे को गिरने से रोकने के लिए शामिल किया गया था। खंभे आकार में 8 कोड़ीय हैं, जिनमें से प्रत्येक 8 पक्षों में जटिल नक्काशी और पैटर्न है, जो मुगल वास्तुकला की विशेषता है। स्तंभों का 8 कोणीय आकार ऊंचाई का भ्रम पैदा करने में मदद करता है, जिससे वे वास्तव में जितने ऊंचे हैं उससे अधिक लंबे दिखते हैं। ताजमहल को प्राकृतिक प्रकाश का उपयोग करने के लिए डिजाइन किया गया था। खिड़कियों की नियुक्ति जो सूरज की रोशनी को फिल्टर करने और मकमरे के अंदर एक जादुई प्रभाव पैदा कराता है। ताजमहल का चयन करने के लिए कई भौगोलिक कारकों पर विचार करना पड़ा, जैसे पानी की उपलब्धता, मिट्टी की स्थिति और पहुंच। स्थान को एक बड़े स्मारक के निर्माण के लिए उपयुक्त होना था और बगीचों और अन्य सुविधाओं के लिए पर्याप्त स्थान प्रदान कराना था। ऐतिहासिक अभिलेखों के अनुसार कहा जाता है कि शाहजहां ने व्यक्तिगत रूप से संभावित स्थलों का दौरा किया और उनकी सौंदर्य संबंधी प्राथमिकताओं और व्यवहारिक विचारों के आधार पर उनका मूल्यवान किया। इन कारकों पर विचार करने के बाद आगरा में यमुना नदी के तट पर ताजमहल के लिए स्थल का चयन किया गया। इमारत की प्रक्रिया में नींव का निर्माण एक महत्वपूर्ण कदम था। ताजमहल की नींव लकड़ी और मलबे का उपयोग करके बनाई गई थी, जिसे कंक्रीट की एक परत पर रखा गया था। कंक्रीट का आधार चूना पत्थर, मिट्टी, रेत व जूट के रेशों के मिश्रण से बना था, जिसका उपयोग संरचना के लिए एक ठोस नींव बनाने के लिए किया गया था। जूट के रेशों के उपयोग ने कंक्रीट को मजबूत और इसके कटाव व अपक्षय के प्रति अधिक प्रतिरोधी बनने में मदद की। इसकी रिसर्च में ये सामने आया कि यमुना नदी से पानी के दबाव व मिट्टी के कटाव को संभालने के लिए पूरी नींव को कंक्रीट और पत्थरों से भरे हुए कुओं द्वारा तैयार किया गया था। यह पहली बार था जब नींव बनाने की इस विधि का प्रयोग किया गया था। यह भी माना जाता है कि नींव को और अधिक मजबूत बनाने के लिए किसी प्रकार की कभी ना सड़ने वाली पेड़ की लकड़ी का भी उपयोग किया गया था। उस समय की निर्माण तकनीकों के आधार पर ऐतिहासिक अभिलेखों और अनुमानों के अनुसार नींव के खंभे लगभग 100 फीट गहरे माने जाते हैं। यह खंभे ईंट और पत्थर से बने थे और स्मारक के वजन का समर्थन करने और इसे मिट्टी में समान रूप से वितरित करने के लिए डिजाइन किए गए थे। नींव का निर्माण 1631 में शुरू हुआ और इसे पूरा करने में लगभग 4 वर्ष लगे। ताजमहल की नींव और निचली दीवारों के निर्माण में प्रयुक्त लाल बलुआ पत्थर आगरा से लगभग 35 किलोमीटर दूर स्थित पास के फतेहपुर सिकरी से प्राप्त किया गया था। नींव को तब पत्थर के स्लैब की एक परत के साथ कवर किया गया था, जो इमारत के बाकी हिस्सों के लिए एक मंच के रूप में काम करता था। पत्थर के स्लैब लाल बलुआ पत्थर से बने थे और बाकी संरचना के लिए एक स्थिर आधार प्रदान करने के लिए सावधानी पूर्वक एक पैटर्न में रखे गए थे। ताजमहल का निर्माण 17वीं शताब्दी में सीमेंट जैसे आधुनिक निर्माण सामग्रियों के आविष्कार से बहुत पहले हुआ था। इसके बजाय स्मारक के निर्माण के लिए पारंपरिक सामग्रियों और निर्माण तकनीकों का उपयोग किया गया था। ताजमहल के निर्माण में प्रयुक्त प्राथमिक निर्माण सामग्री लाल बलुआ पत्थर और सफ़ेद संगमरमर थी। बलुआ पत्थर का उपयोग नींव और दीवारों के निचले हिस्सों के निर्माण के लिए किया गया था, जबकि संगमरमर का उपयोग दीवारों के ऊपरी हिस्सों, गुंबदों और मीनारों के लिए किया गया था। संगमरमर को पास के शहर मकराना से लाया गया था और यह अनुमान लगाया जाता है कि संगमरमर पर जटिल सजावटी डिजाइन बनाने के लिए लगभग 28 विभिन्न प्रकार के कीमती पत्थरों का उपयोग किया गया था। पत्थरों को सुखरी नामक एक पारंपरिक निर्माण सामग्री के साथ रखा गया था, जो बुझे हुए चने, रेत और गुड़ का मिश्रण है। सुखरी ने बाध्यकारी सामग्री के रूप में काम किया और पत्थरों को एक जगह पकड़े रखने में मदद की। इन सामग्रियों के अलावा ताजमहल के निर्माण के लिए अन्य पारंपरिक निर्माण तकनीकों का भी उपयोग किया गया। उदाहरण के लिए मेहराबों और गुमंदों का निर्माण पिट्रा ड्यूरा नामक एक तकनीक का उपयोग करके किया गया था, जिसमें रंगीन पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़ों को एक साथ काट कर फिट करना शामिल है।
ताकि जटिल डिजाइन तैयार किया जा सके। इन पारंपरिक निर्माण सामग्री और तकनीकों के उपयोग ने ताजमहल के स्थायित्व और दीर्घायु को सुनिश्चित करने में मदद की, जो तत्वों और समय की बर्बादी के बावजूद 350 से अधिक वर्षों तक खड़ा है। ताजमहल के निर्माण में प्रयुक्त सफ़ेद संगमरमर को आगरा से लगभग 300 किलोमीटर दूर स्थित मकराना शहर से मंगवाया गया था। संगमरमर के ब्लॉकों को हाथियों, बैलों और घोड़ों व खच्चरों द्वारा खींची जाने वाली गाड़ियों के संयोजन द्वारा निर्माण स्थल तक पहुँचाया गया था। ऐसा अनुमान है कि खदान से निर्माण स्थल तक लगभग 300 किलोमीटर की दूरी तक संगमरमर के ब्लॉकों को ले जाने के लिए लगभग 1000 हाथियों का उपयोग किया गया था। इन सामग्रियों के अलावा अन्य निर्माण सामग्री और उपकरण जैसे लकड़ी और लोहे को भी यमुना नदी पर गाड़ियों व नावों का उपयोग करके निर्माण स्थल तक पहुँचाया गया था। इसमें शामिल दूरी, कठिन इलाके और आधुनिक परिवहन सुविधाओं की कमी को देखते हुए इन सामग्रियों का परिवहन एक चुनौतीपूर्ण कार्य था। निर्माण के दौरान ऊंचे स्थानों तक पहुंचने के लिए लकड़ी के मचान का उपयोग किया जाता था और श्रमिकों ने रस्सियों और चरखी का इस्तेमाल सामग्री और उपकरणों को शीर्ष पर ले जाने के लिए किया था। मार्बल ब्लॉक को ठीक करने के लिए एक प्रकार के मोर्टार का उपयोग किया जाता था, जबकि प्लास्टर का उपयोग जोड़ों और ब्लॉक के बीच के अंतराल को चिकना करने के लिए किया जाता था। ताजमहल के निर्माण में जल प्रबंधन ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। निर्माण के दौरान पानी के प्रवाह को प्रबंधित करने के लिए कुओं, नहरों और टैंकों का एक परिष्कृत नेटवर्क बनाया गया था। ताजमहल के निर्माण की वास्तविक लागत लगभग 32 मिलियन रुपए आंकी गई है, जो आज की मुद्रा में लगभग $1 बिलियन या 8,000 करोड़ रुपये से अधिक के बराबर है, जिसकी तुलना आप भारतीय राज्य के वर्तमान बजट से कर सकते हैं, जिसमें भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और सिक्किम का बजट 7,051 करोड़ रुपए, मिजोरम का बजट 14,209, मेघालय का बजट 16,832 करोड़ व गोवा का बजट 21,647 करोड़ है। निर्माण की लागत मुगल साम्राज्य के मुद्रा भंडार पर एक बहुत बड़ी बोझ साबित हुई और ऐसा कहा जाता है कि निर्माण की लागत ने साम्राज्य के अंतिम पतन में योगदान दिया। ताजमहल के निर्माण के लिए धन साम्राज्य के विषयों पर लगाए गए करों और लड़ाई में जीते हुए प्रदेशों की संपत्ति को जब्त करके जुटाया गया था। मुगल बादशाह शाहजहां ने ताजमहल के निर्माण में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। ऐसा अनुमान है कि ताजमहल के निर्माण में लगभग 20,000 श्रमिक और शिल्पकार शामिल थे। कार्यबल में वस्तुकार, सुलेखक, चित्रकार, पत्थर काटने वाले और राजमिस्त्री जैसे कुशल कारीगर शामिल थे, साथ ही मजदूर और वाहक जो निर्माण स्थल पर सामग्री और उपकरण ढोने में शामिल थे। कार्यबल को मध्य एशिया, ईरान और भारत सहित मुगल साम्राज्य के विभिन्न हिस्सों से खींचा गया था और इसकी देखरेख शाहजहां द्वारा नियुक्त वस्तुकारों और इंजीनियरों की एक टीम द्वारा की जाती थी। ताजमहल परिसर का कुल क्षेत्रफल लगभग 42 एकड़, जो कि 18,29,520 स्क्वायर फीट है, जिसमें मुख्य मकबरे की संरचना और कई अन्य इमारतें और उद्यान शामिल हैं। मुख्य मकबरे की संरचना स्वयं एक उभरे हुए मंच पर बैठती है, जो कि 313 फीट चौड़ा और 313 फीट लंबा मापा जाता है और मंच के कोनों पर चार मीनारों में से प्रत्येक की ऊंचाई लगभग 137 फीट है और पूरा परिसर चार दीवारी से घिरा हुआ है। ताजमहल के सफ़ेद संगमरमर के आवरण को पूरा करने में कुल 12 साल लगे, जिसे पूरी तरह से पूरा होने में लगभग 22 साल लगे। ताजमहल को घेरने वाली चार मीनारों को 1652 और 1654 के बीच बनाया गया था, जिसे पूरा होने में लगभग 2 वर्ष लगा। ताजमहल के चारों ओर उद्यान और भूमि निर्माण कई वर्षों की अवधि में जोड़े गए। कुछ अनुमान के अनुसार यह परियोजना 1680 के दशक तक पूरी हुई। विभिन्न संसाधनों को देखते हुए यह सुझाव दिए गए हैं कि ताजमहल का निर्माण होने के बाद सभी श्रमिकों के हाथ काट दिए गए थे, लेकिन इस तथ्य का समर्थन करने के लिए ऐसा कोई ठोस सबूत नहीं मिला और मैं आपको उस पर फैसला करने के लिए छोड़ देता हूँ।